हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, मतलब छोटा लेवल में जो बिजनेस होता है, बिल्कुल छोटा, जो रोज़ 100 किलो से 120 किलो प्रोडक्ट बनेगा और अपना प्रोडक्ट अपना खुद वो सेल करेंगे, ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे, ना कोई सेलमैन को बेचेंगे, अपना प्रोडक्ट जितना भी बनेंगे हम खुद वो सेल करेंगे। तो इसके लिए हमको कौन कौन सा मशीन लेना पड़ेगा और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सबसे छोटा बिजनेस में, बेकारी बिजनेस सबसे छोटा, स्मॉल बिजनेस जिसको आप बोलते हो। तो चलो आज इस वीडियो में बात करेंगे, आपका क्लियरली में बता देंगे, क्योंकि आप YouTube में बहुत सारे वीडियो देखा है, कोई बोल रहा है दो लाख रुपया आप लगाइए, कोई बोल रहा है 2.5 लाख रुपया आप लगाइए, कोई बोलता है आप 1 लाख रुपया लगाइए, लगाने के बाद हर महीने में आप लाखों रुपया कमाइए। ऐसा क्या है और ऐसा क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा। और बेकरी बिजनेस के लिए, छोटा से छोटा भी बिजनेस करने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख लेना। आप मेरा चैनल में नया हो, रेगुलरली वीडियो देखते हो, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस तरह बेकरी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो हमारे बेकरी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होता है वो है ओवन मशीन। तो हमारा 100 से 120 किलो काम करने के लिए हमको एक ओवन मशीन लेना पड़ेगा, रोटरी ओवन मशीन हमको लेना पड़ेगा, छोटा मशीन जो 24 टेरे का होता है। तो 24 टेरे हम रोटरी ओवन एक लेंगे, मान लो आज मैं 100 किलो से स्टार्ट किया है, कल हमारा 120 से 150 किलो तक, हम 200 किलो तक हम एक काम को कर पाएंगे, हम खुद बेचेंगे, ना डिस्ट्रीब्यूटर को ना सेलमैन को, अपना माल हम खुद दुकान दुकान में घूम के बेचेंगे, ना तो अपना काउंटर में बेचेंगे। तो वही हिसाब से जो हमको प्लांट लगाना पड़ेगा, जो मशीन लगाना पड़ेगा, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। तो पहले जो हमको लेना होगा एक मशीन, क्या मशीन है, ओवन मशीन, कितना का है वो है 24 टेरे। तो ओवन मशीन का 24 टेरे का दाम है सर 3 लाख रुपया आप मान के चलिए, कोई 2.8 लाख में भी दे रहा, कोई 3 लाख में भी दे रहा, कोई 3.5 लाख में भी दे रहा, सबका एक अलग अलग रेट होता है। तो हमारा जो मिडिल का जो रेट है 3 लाख, वो में हम पकड़ के रखेंगे। और हमको एक लेना पड़ेगा उसके साथ साथ मिक्सर करने के लिए 20 किलो का एक मिक्सर मशीन, जो स्पाइलर मिक्सर मशीन होता है, वो 20 किलो स्पाइलर मिक्सर मशीन का हमारा दाम कितना है, वो 1,20,000 का आसपास वो पड़ेगा, मान के चलिए 1,20,000। तो हमारा कितना हुआ है 3 लाख और 1,20,000, 4,20,000। उससे बाद हमारा जो थर्ड मशीन जो है, हम ब्रेड बनाएंगे चाहे टोस्ट बनाएंगे, तो उनको मतलब स्लाइस करने के लिए हमारा एक मशीन का ज़रूरत होता है, स्लाइसर मशीन, ब्रेड स्लाइसर मशीन। तो ब्रेड स्लाइसर मशीन हम छोटा सा जो मतलब मैकेनिकल मैनुअल जो मतलब मशीन होता है, हाई स्पीड वाला नहीं है, स्लो वाला है, तो उनका दाम पड़ेगा 60,000 रुपया। तो हमारा कितना हो रहा है 4,80,000 हो गया ये तीनों मशीन में। और ये तीनों मशीन रखने के लिए, तीनों मशीन बैठाने के लिए जो हमारा जगह का ज़रूरत होगा, और तीनों मशीन बैठाने के बाद काम करने के लिए हमारा 100 से 150 किलो काम करने के लिए, 200 किलो काम करने के लिए जो हमारा जगह का ज़रूरत होगा, वो जगह कितना लगेगा। तो देखिए, जगह आप जितना भी बड़ा रखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, ज़मीन जितना ज़्यादा होगा काम करने में उतना मज़ा आएगा, लेकिन आपका पास ज़मीन कम है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है, आप सोच रहे हैं जो हमको कितना ज़मीन लगेगा, तो मान के चलिए आप कम से कम 1,000 स्क्वायर फीट आपको ज़मीन लेना पड़ेगा, तब भी आप ये मशीन बैठाने के बाद आप अच्छा तरीक़ा से ये काम कर पाओगे। तो ज़मीन हुआ 1,000 स्क्वायर फीट कम से कम, उससे ऊपर आप 1,500 स्क्वायर फीट 2,000 स्क्वायर फीट भी ले सकते हो आपके पास ज़मीन है तो। आपके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन कम है, आप घर का छत में भी करना चाहते हो, फिर भी आप कर सकते हो। तो हमारा 3 मशीन हुआ है, ज़मीन हुआ है, उससे बाद 3 मशीन छोड़ के जो हमारा 4,80,000 रुपया बैठ रहा है, यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होता। आप सोच रहे हैं मैं 4,80,000 रुपया लगा के हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ तीनों मशीन का है। अब ये 4,80,000 जो है तीनों मशीन का,
इसके बाद आपको लेना पड़ेगा जीएसटी। अब 100% जीएसटी नहीं भी लोगे फिर भी आपको 50% भी जीएसटी लोगे तो आपका 4,80,000 का जगह 2,40,000 का आपका जीएसटी लेना होगा। तो वहाँ पे 18% जीएसटी है, तो वहाँ पे मान के चलिए कम से कम आपका 40,000 से 50,000 रुपया जाएगा जीएसटी में। आपको ट्रांसपोर्ट खर्चा जाएगा 30,000 से 40,000। तो ये आपको फिर उतारने का, लोडिंग करने का, इसमें लोडिंग चलो कंपनी वाला आपको कर देंगे लेकिन उतारने का भी एक खर्चा है, लगाने का भी, इंस्टॉल करने का भी खर्चा है। तो इधर जीएसटी ट्रांसपोर्ट खर्चा इंस्टॉल में आपको 1,00,000 रुपया मान के चलिए, तो कितना हो रहा है 4,80,000 और 1,00,000 हमारा हो गया कितना 5,80,000। तो 5,80,000 हमारा मशीन खरीदने के बाद हमारा फैक्ट्री में आने तक, इंस्टॉल करके चालू करने तक ये 5,80,000 रुपया हमारा तीनों मशीन में खर्चा पड़ेगा। उसके बाद जो आता है हमारा, हम सिर्फ मशीन लेके तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे ना भाई, उसके बाद आएगा हमारा ट्रे, साँचा, ट्रॉली, जाली, क्योंकि ट्रॉली आपको चार देगा। तो शुरुआत में आप चार ट्रॉली में भी काम कर सकते हो लेकिन दो ट्रॉली आपको ज़्यादा रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो ट्रॉली हम अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको ओवन का साथ चार ट्रॉली वो लोग एक्स्ट्रा आपको देंगे। तो आपको लेना पड़ेगा क्या, ट्रे लेना पड़ेगा, मतलब 24 ट्रे का आपका ओवन है तो आपको मतलब चार भाटी, मतलब चार राउंड का आपको ट्रे लेना पड़ेगा। तो मतलब 4×24 होंगे आपका 96, मतलब 96, मतलब 100 मान के चलिए 100 ट्रे लेना होगा आपका। 100 आपको लेना पड़ेगा साँचा, तो ट्रे साँचा में आपको कम से कम 50,000 से 60,000 रुपया मान के चलिए। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा टेबल, उसके बाद आपको वेट मशीन का ज़रूरत होता है जो हमारा मैदा वेट करने के लिए, काटने के लिए, ये सब मतलब छोटा मोटा चीज़ आपको फैक्ट्री में और भी ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे आपको 20,000 से 30,000 रुपया और भी लगेगा। तो इधर आपका मान के चलिए आपका साँचा और ट्रे में आपको कम से कम आपको मैं बात बोल रहा हूँ 70,000 रुपया मान के चलिए, और इधर आपको 30,000 रुपया और भी है। तो 1,00,000 रुपया आपको इधर जाएगा साँचा, ट्रे, टेबल और फैक्ट्री में जो छोटा मोटा जो चीज़ होता है, जो आपको ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ के लिए आपका कम से कम 1,00,000 रुपया। तो उधर हो रहा हमारा 5,80,000, उसके बाद हम 1,00,000 रुपया और आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो रहा आपका 6,80,000 रुपया। और 6,80,000 रुपया ये तो सिर्फ हमारा प्लान में काम करने के लिए, मतलब जो सामान ज़रूरत होगा यही सामान के लिए इतना पैसा हमको लगेगा। अब तो भाई कच्चा माल भी खरीदना है हमको माल बनाने के लिए, तो कच्चा माल में आपका कौन कौन सा कच्चा माल लगेगा और कितना आपको स्टॉक में लगेगा मैं दूसरा वीडियो में आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको ये बता देता हूँ कच्चा माल के लिए आपको कम से कम, आप मान लो अपना प्रोडक्ट आप खुद बना के खुद सेल करोगे, रोज जितना बनाओगे उतना सेल करने के बाद फिर बनाओगे, फिर भी आपको 1 से 1.5 लाख रुपया आपको रखना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक। ये तो हो गया आपका मतलब हिसाब, इधर 5,80,000 और इधर आप 1,20,000 मान के चलिए, तो 7,00,000 रुपया आपका बिजनेस को मतलब स्टार्ट करने के लिए, माल बनाने के लिए ये आपका ज़रूरी है। उससे बाद और एक चीज़ जो आता है वो आपका डिपेंड करता है आपका वहाँ पे बिजली कैपेसिटी, लाइट कैपेसिटी अच्छा है, लाइट दिन भर रहता है, लाइट का मतलब इतना छेड़खानी नहीं होता है, आपका अच्छा तरीका से लाइट का सर्विस, बिजली का सर्विस मिलता है, तो वो आपको जनरेटर का ज़रूरत नहीं है, ठीक, तो छोटा काम करोगे ना। आपका मतलब लाइट का हालत ख़राब है पर 1 घंटा 1.5 घंटा बाद बाद लाइट भागता है, 1 घंटा रहता है 1 घंटा नहीं रहता है, फिर भी तो आपको जनरेटर लेना पड़ेगा। तो आपका मशीन का हिसाब से, आपका जो काम है आपका काम का हिसाब से आपको जनरेटर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया का एक छोटा जनरेटर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा बजट, ये हमने अभी नहीं पकड़ा है। तो आपका छोटा बिजनेस के लिए आपका 1,00,000 2,00,000 में आपको काम नहीं चलेगा, कम से कम आपका 7,00,000 का मैंने हिसाब दिया है, आपका तीनों मशीन, जीएसटी खर्चा, ट्रांसपोर्ट खर्चा, साँचा, ट्रे
और फैक्ट्री में टेबल और छोटा मोटा जो चीज़ है वो चीज़ का और आपका कच्चा माल का। तो ये आपका 7 लाख रुपया, चाहे आपका 7.5 लाख रुपया भी हो सकता है, ये तो आपका सिर्फ फैक्ट्री चलाने के लिए, माल बनाने के लिए। उसके बाद जनरेटर का हिसाब तो अलग है। उसके बाद और भी एक है, वो है आपका पन्नी, पीपी जिसको बोलता है, लेमिनेट जिसको बोलता है, जहाँ पे माल आप डालोगे उसके तो आपको छपाना पड़ेगा। आप अपना नाम से छपाओगे, अपना कंपनी का नाम रखोगे, आप ब्रांड बनाओगे तो आपको मतलब पीपी छपाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिलेंडर बनाना पड़ेगा। एक सिलेंडर में आपको 30 से 40 हज़ार रुपया खर्चा होता है। मतलब आप 2 सिलेंडर बनाओगे, यहाँ पर 70-80 हज़ार रुपया खर्चा है। और पीपी भी बनाओगे, वहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 लाख रुपया का मतलब पीपी प्लास्टिक लेना होगा। और आप शुरुआत में बोलोगे हम व्हाइट पीपी में मतलब डालेंगे, ना कोई हम कंपनी का नाम देंगे, ना आप प्रिंट करोगे, ना अपना नाम से छापाओगे, ऐसा आपको नहीं करना है। तो आप व्हाइट पीपी में आप आसानी से अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो। उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको स्टिकर लगा देना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको जितना ज़रूरत होगा 5 किलो 10 किलो करके आप ले आ सकते हो। उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और आप सोचोगे मेरा नाम से मैं ब्रांड बनाऊंगा, मैं अपना माल में अपना प्रोडक्ट में मैं एक कंपनी बनाऊंगा, मैं एक नाम रखूंगा, मैं एक पहचान बनाऊंगा, तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा और ये आपको 1 लाख रुपया लग पड़ेगा, 1 से 1.5 लाख रुपया कम से कम। क्योंकि आप एक भी सिलेंडर बनाओगे तो एक सिलेंडर में आपको 30-40 हज़ार रुपया खर्चा है। अब 2 बनाओगे तो आपको हो गया 80 हज़ार रुपया। और उसमें आपको जो भी पीपी लेना है मतलब लेमिनेट पन्नी जो ले रहे, तो आपको 20-50 किलो 100 किलो नहीं देगा, कम से कम आपको 400-500 किलो लेना होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है आपको मतलब प्रिंट करने के लिए, आपको छपाने के लिए। और आप मार्केट में जो व्हाइट पीपी जो सादा पीपी मिलता है वही पीपी में आप काम करोगे तो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो मोटामोटी जो है मैं आपको मैंने बता दिया है, एक छोटा बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख रुपया का मान के चलिए आपका पास होना चाहिए, तब भी आपको बिजनेस में उतरना चाहिए। क्योंकि आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख लगाने के बाद आप लाखों रुपया कमा सकते हो। आप ये सब देख के आप 3 मशीन ले लोगे, सोचोगे चलो अभी मैं 3 मशीन ले लेंगे, हमारा काम स्टार्ट हो जाएंगे, हम महीने में लाखों रुपया कमा लगेंगे। जब आप 3 मशीन खरीद के लेकर आओगे तब आपको पता चलता है कि हमारा ये ज़रूरी है, हमारा वो ज़रूरी है। और आपका पास मान लो 10 लाख रुपया का आपको बजट का ज़रूरी है, आपका पास लगे है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया जब आप काम में एक बार उतर जाओगे तब तो आपको पैसा किसी तरह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ज़मीन बेचना पड़ेगा, ना तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट में पैसा लेना पड़ेगा। तो आप छोटा से छोटा भी 100 किलो 150 किलो भी काम करना है, फिर भी आपका भैया 8 से 10 लाख रुपया खर्चा ये आराम से हो जाता है बेकरी में। क्योंकि इनका खर्चा तो होता है अनलिमिटेड, जैसा आपको मतलब नसीब अच्छा है तो कमाई भी होगा अनलिमिटेड। कमाई का भी कोई मतलब हिसाब नहीं है, आपका तकदीर अच्छा होगा, आपका नसीब अच्छा होगा। तो ये बेकरी बिजनेस जो है नसीब और तकदीर में चलता है। बहुत सारे लोग फैक्ट्री खोल के रखा है, किसी का चल रहा किसी का नहीं चल रहा है। तो ये तो होता है सब कुछ मतलब अपना तकदीर का हिसाब से, आपका नसीब का हिसाब से। तो आज के वीडियो में और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे जो मतलब बिजनेस चलाने के लिए आपको कौन कौन सा कच्चा माल का ज़रूरत है, और कच्चा माल के लिए अपना काम का हिसाब से मतलब 200 किलो काम के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 400 किलो के लिए कितना इन्वेस्ट करेगा, 500 किलो के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ कच्चा माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। तो वो एक मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको मैं डिटेल्स क्लियरली में बता दूंगा। और आज मैं इस वीडियो में यहाँ पे करता हूँ ख़त्म, फिर आपका साथ मुलाकात होगा मेरा दूसरा वीडियो में। और मैं एक बात बताऊंगा, आप मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। खुदा हाफिज़।